फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, दोनों का ही हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड इज आर स्क्वायर, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 4 - h होल स्क्वायर प्लस 1 - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - h होल स्क्वायर प्लस 5 - k होल स्क्वायर, राइट। ऐसा लिखने से क्या हुआ, देखो दो फायदा हुआ। एक तो ये फायदा हुआ कि जो r है ना, ये r हमारा अभी के लिए गायब हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब एक इस जो भी अभी हमने लिखा है इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा और एक हमारे पास इक्वेशन 3 है। सो दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो h और k की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार h और k की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद हम आराम से r की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, यही हमारा प्लान है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो सबको तोड़ लेंगे और उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का एक मिलेगा रिलेशन, 17 - 8h - 2k इज इक्वल टू 61 - 12h - 10k। अब घबराने की कोई बात नहीं, मैंने कुछ बहुत डिफरेंट नहीं किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर में तोड़ा है, तो ए स्क्वायर यानी कि 16 + h² - 2 × 4 × h उसी तरह 1² + k² - 2 × 1 × k इस तरह से दोनों साइड किया है, तो काफी सारे टर्म्स जो है वो कैंसल आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा h + 2k इज इक्वल टू 11, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये एक इक्वेशन मिलेगा जिसे हम लिख देते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इक्वेशन 3 है और एक हमारे पास इक्वेशन 4 है, जो दोनों लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, हम आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलो इस साइड करते हैं कैलकुलेशन इसकी। तो अब हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या देखते हैं, पहला इक्वेशन है 4, मतलब थर्ड इक्वेशन जो है वो है 4h + k इज इक्वल टू 16। तो ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, उसके बाद जो है दोनों इक्वेशन को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये एच एच वाला टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये 4h हो जाएगा, ये भी 4h हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -8k + k, तो ये क्या हो जाएगा -8